अरे बेटे, ये खेलने की जगह है जो तुम यहाँ खेल रहे हो। सॉरी अंकल, गलती से लग गई। ग्राउंड में जाकर खेलो, ग्राउंड में, ये जगह खेलने की नहीं है। ग्राउंड में पानी लगा है इसलिए हम यहाँ खेल रहे हैं। आप अपने काम से काम रखिए। ये मेरा काम है इसीलिए तुम्हें रोक रहा हूँ। ये गाड़ियों के पार्किंग की जगह है, तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है। अगर कोई नुकसान हो गया तो कौन भरेगा? निकलो यहाँ से। मेरे दोस्त ने कहा तो है ग्राउंड में पानी लगा है, और कहीं जगह ही नहीं है खेलने की, हम तो यहीं खेलेंगे। बेटा मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, तो मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है क्या? या मैं अब सख्ती करूँ? आपने मुझे हाथ कैसे लगाया? पहले हमें खेलने से रोका और अब आप बदतमीजी पर उतर आए। रुको अभी बताता हूँ मैं आपको। अरे बेटा मैं बदतमीजी नहीं आपको समझा रहा था। एक तो ये आजकल के बच्चे भी ना, इसके काम तो देख मानने पर उतर आते हैं। तो हाँ तो और क्या, मुझे हाथ लगाया उसने, तू मोबाइल दे जरा। हेलो बाबा। बस आप जल्दी आ जाओ, मैं रेड हाउस पर ही खड़ा हूँ। हाँ क्या कहा तेरे पापा ने? वो आ रहे हैं लेते हैं उसकी कबर। तो ऐसा कर अब घर जा, शाम को मिलते हैं। मैं आते वक्त नई बॉल भी ले आऊंगा। तो ऐसा कर घर जा। हाँ ठीक है ठीक है। ओए मामूली से सिक्योरिटी गार्ड, तेरी ये हिम्मत, तूने मेरे बेटे को हाथ लगाया? सर ये गाड़ियों की पार्किंग में खेल रहे थे, मैंने कहा था ग्राउंड में खेलो। अगर कोई नुकसान हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? नुकसान हो जाता तो मैं हूँ भरने के लिए, लेकिन तुझे क्या तकलीफ हुई जो तूने मेरे बच्चे को हाथ लगाया? सर वो गलती कर रहे थे इसलिए रोका मैंने उसे, वरना मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है आपके बच्चे से। दुश्मनी? दुश्मनी तो तेरी मेरे साथ होगी, करवाता हूँ मैं तेरा हिसाब। चल बेटा। हेलो। हाँ फिरोज भाई, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इमरान साहब ये किस तरह का सिक्योरिटी गार्ड रखा है आपने? रत्ती भर तमीज नहीं है इसे। क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? मेरे बेटे से बदतमीजी की है इसने, आप अभी के अभी इसे नौकरी से निकाले। अच्छा अच्छा आप बेफिक्र हो जाए, मैं इधर ऑफिस में हूँ, मैं आता हूँ वहीं पे। हाय जनाब, देखिए अपने सिक्योरिटी गार्ड का हाल। क्या हुआ फिरोज भाई, इतने गुस्से में क्यों हो आप? आखिर मुझे बताया तो सही क्या बात है? खुद बताएगा ये। सर मैंने तो गाड़ी की पार्किंग में खेलने से रोका था, कोई नुकसान हो सकता है। तो नुकसान तुझे भरना था क्या? बकवास कर रहा है ये, इसने मेरे बच्चे को मारा है। नहीं नहीं सर, मैंने बच्चे को मारा नहीं है, मैंने तो बच्चे को पकड़ के देखा। देखा इसने खुद ने कबूल कर लिया कि इसने मेरे बच्चे को हाथ लगाया है। तुम्हें बच्चे को हाथ लगाने की क्या जरूरत थी, उसे जबानी भी तो रोक सकते थे। बस सर गलती हो गई, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। ओ भाड़ में गई तेरी ऐसी ड्यूटी, जो ऐसे बच्चे से बदसलूकी करे। इमरान साहब इसे अभी कभी हाथ निकालिए, वरना आपका मेरा बरसों पुराना ताल्लुक खराब हो जाएगा। अरे फिरोज साहब आप इस मामले से गार्ड के लिए अपने ताल्लुक की बात तो ना करें। चलो भाई टोपी उतारो, कपड़े उतारो, जाओ यहाँ से। अरे सर ये आप क्या कह रहे हो, मैं तो अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से कर रहा था, मेरा क्या कसूर है? मैंने तुमसे सफाई नहीं मांगी, जितना कहा है उतना करो, ऐसा ना हो कि मुझे जबरदस्ती करनी पड़े। इमरान साहब को पढ़े लिखे लोग रखा करे, इस तरह के लोग रखेंगे तो आपका ही नाम खराब होगा। चलो अब तो निकाल दिया, ऐसे आगे से कोई रखेंगे तो देखभाल के रखेंगे। चलो इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपके एरिया का बंदा था इसलिए मैंने आपको बताया, वरना मैं इसके खिलाफ कुछ केस भी कर सकता था। चलो मैं चलता हूँ। चलो बेटा। मेरी ईमानदारी से ड्यूटी करने का सिला ये मिला है मुझे कि मेरी नौकरी ही चली गई, अब बेरोजगार होकर घर बैठा हूँ। इससे बेहतर तो यह बंदा खाना पूरी करता रहे, वरना यही अंजाम होता है। अब क्या करूँगा मैं? अरे भाईजान आज बहुत जल्दी आ गए आप। हाँ आ गया हूँ, वो भी हमेशा के लिए। निकाल दिया है उन्होंने मुझे काम से। निकाल दिया? लेकिन क्यों भाईजान, आपने ऐसी क्या गलती कर दी?
बस ये मेरी ईमानदारी का सिला मिला है मुझे। ओहो, ये तो बहुत गलत हुआ। नौकरी का तो यही मसला होता है। मेरे साथ जंगल चलाकर वहाँ दोनों भाई लकड़ियाँ काटा करेंगे, किसी की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी। हाँ तू सही कह रहा है, मैं नहीं करूँगा नौकरी, कल से तेरे साथ काम पे जाया करूँगा। भाई तेरा काम है बहुत केड़ा। कोई बात नहीं, 3-4 दिन मुश्किल लगेगा, फिर तुझे आसान लगने लगेगा ये काम। हाँ तो ठीक कह रहा है, ले पानी तो दे। पानी तो खत्म हो गया है, तू काम कर, मैं पानी भर कर लाता हूँ। ठीक है, पानी ला, मैं काम कर रहा हूँ। बच्चा तो बहुत अमीर खानदान का लगता है, लगभग 20 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। इसे तो मैं जब तक छोड़ूंगा नहीं जब तक मुझे पैसा नहीं मिलेगा। नौसाद, क्या बात है भाई, क्यों भाग रहा है, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है तू? पीछे वाले जंगल में एक बंदा बच्चे को उठाकर लाया है, और वो भी बच्चा बेहोश था। क्या अगवा करके? उसके पास कोई हथियार तो नहीं था? नहीं, हथियार तो नजर नहीं आया, मुझे लगता है वो खाली हाथ है। चल तो ठीक है, फिर बच्चे को बचाते हैं, हमारे पास तो ये है ना, तू भी उठा ले कोई डंडा। तेरा बच्चा मेरे कब्जे में है। ये क्या बकवास कर रहे हो, कौन हो तुम? मैं जो भी हूँ, अगर अपने बच्चे की सलामती चाहता है तो 20 लाख रुपए का इंतजाम कर ले। अच्छा मेरे बेटे को कुछ ना करना, आज जहाँ कहोगे मैं पैसे लेके पहुँच जाऊंगा। हाँ ये हो ही ना बात, चल हम तुझे थोड़ी देर में बताते हैं पैसे लेके कहाँ आना है। हेलो, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र ना करें, हमने उसे बचा लिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बस आप मुझे ये बताएं कहाँ आना है, मैं वहीं आता हूँ। हाँ, बिजली घर के जो सामने गैलरी है, आप वहाँ आ जाए। ठीक है, मैं अभी आया। ठीक है। ओ ये बच्चा, अगर मुझे पता होता ये बच्चा अगवा हुआ तो मैं कभी ना बचाता इसे। क्यों, कौन है ये बच्चा? ओ यही तो है वो अमीरजादा, जिसके बाप ने मुझे काम से निकलवाया था और हमने इसकी जान बचाई है। चल छोड़, जो हो गया सो हो गया, तो इसके माँ बाप के बारे में सोच, बेचारे कितने परेशान होंगे। चल छोड़ यार, कब तक दिल में बात रखूं, चल इसको होश मिलाते हैं, इसका बाप आने वाला होगा उसको दे देते हैं। बेटा बेटा, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मैंने जो किया इंसानियत के नाते किया, वरना अगर मेरे दिल में कुछ ऐसा होता तो मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचाता। अरे यकीन करो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने एक छोटी सी गलती की वजह से एक गरीब को उसकी नौकरी से निकलवा दिया। क्या करूँ आपकी शर्मिंदगी को, इज्जत से रोटी कमा खा रहा था वो तो आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, अब कुल्हाड़ी उठा के अपने भाई के साथ लकड़ियाँ काटता फिर रहा हूँ। देखो अगर मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ तो मैं तुम्हारे लिए भी जरूर कुछ ना कुछ करूँगा, तुम वहाँ जितनी तनख्वाह पे थे उससे डबल तनख्वाह पे मैं तुम्हें अपने पास नौकरी पे रख लूंगा। डबल तनख्वाह पे? क्या वाकई? हाँ हाँ वाकई, तुम कल सुबह 5 नंबर चुंगी पे आ जाना, मेरा दफ्तर वहीं पे है। ठीक है साहब, मैं आ जाऊंगा कल, बहुत बहुत शुक्रिया। देखा, इंसान की हुई नेकी कभी जाया नहीं जाती। कैसा सिला मिला है तुझे, वो भी डबल तनख्वाह के रूप में। बेशक, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है।